Assalamu alaikum. I am Awais Khattak, Business Development Officer at Makan Solutions. This video is about the developer of Nova City. But first, let me tell you something. इंसान की एक बहुत अच्छी फितरत है कि हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से चेक करके तसल्ली करने के बाद ख़रीदते हैं, और ये एक अच्छी बात भी है, ख़ास करके जब हम कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ ख़रीदते हैं, जैसा कि कोई प्लॉट हो गया या कोई घर हो गया, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उसकी वजह यह है कि घर इंसान अपनी लाइफ में बार बार नहीं बनाता है। घर एक ऐसी वाइज चीज़ है जो इंसान लाइफ में एक बार ही बनाता है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, विच मेक्स इट यूर वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवेलपर ऑफ नोवा सिटी। किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी लोकेशन कैसी है, सेकेंडली उसका डिवेलपर कौन है, और थर्डली उसकी लैंड कैसी है। अगर डिवेलपर की बात करें तो नोवा सिटी का डिवेलपर है मार्क्सन्स, एंड फॉर दोज हु डोंट नो, मार्क्सन्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी बाय द नेम ऑफ मिस्टर एम ए अलीम खान। 1951 से लेकर अब तक फॉर द पास्ट 70 ईयर्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इनकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक जैसे कि दुबई और कतर में भी इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किए हैं। इस्लामाबाद में PTET टेलीकम्युनिकेशन टावर, जिसे यूफोन टावर भी कहा जाता है, उसकी फाउंडेशन रखी उन्होंने। सेकेंडली इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, जो कि इस्लामाबाद को रावलपिंडी के साथ कनेक्ट करती है, वो भी इन्होंने ही डिवेलप की है, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। थर्डली लाहौर में अरफा करीम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि बहुत मशहूर है, वो भी इन्होंने ही डिवेलप किया है। एंड इसके अलावा सिग्नल फ्री कॉरिडोर इस्लामाबाद हाईवे, वो भी मार्क्सन ने डिवेलप की है। पेंटा स्क्वायर DHA फेज 5 लाहौर मार्क्सन ने डिवेलप किया है, और इसी तरह के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल्स और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, जिससे आप मार्क्सन कंपनी की क्रेडिबिलिटी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ये कंपनी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी कि PEC से रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा इसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो कि ISO की तरफ से जारी किया जाता है। अगर इस कंपनी की वर्थ की बात करते हैं तो इसकी 6 मेन सब्सिडरीज हैं। नंबर 1 कॉरपोरेट 7, नंबर 2 मार्क एसफॉल्ट, नंबर 3 मार्क गैस, नंबर 4 मार्क क्रीड, नंबर 5 मार्क एग्रो, नंबर 6 मार्क फार्म्स। नाउ आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट। ज़रूरी नहीं है बट कर लें तो अच्छा है। विद दैट नोट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा। इसके अलावा नोवा सिटी के हवाले से अगर आपको मज़ीद किसी भी किस्म की कोई डिटेल चाहिए हो तो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।